शुभ सकाल ओडिशा आपण मानको आम चैनल स्वागत चलंतु जानिबा देश विदेश तथा राज्यर 30 गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम खबर, राज्य रे डिस्चार्ज हेले 330 कोरोना आक्रांत। राज्य रे गोटे पटे दैनिक कोविड संक्रमण ग्राफ धीरे धीरे खसुथवा बेले सुस्थ हार मध्य वृद्धि पाउछि। राज्य रे 330 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होइछन्ति। यहाँ को मिसे ओडिशा रे एजे मोट 12,75,755 जन आक्रांत सुस्थ हो सारी। यहाँ नहीं ट्विट करके सूचना दे राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। आज सुस्थ होता आक्रांत अनुगुल सर्वाधिक 44 जन सुस्थ होती। परवर्ती खबर, 5 डकायत को गिरफ्त कला पुलिस। मारणास्त्र सहित सुना और रूपा अलंकार जबत। ब्रह्मपुर सदर पुलिस 5 जन डकायत को गिरफ्त कर जमापड़ी। से निकट बहु मारणास्त्र 40 ग्राम सुना अलंकार 2.5 किलो रूपा अलंकार एवं नगद 5,000 टंका सहित अन्य सामग्री जबत कर डकायती उद्यम करुवा बेल पुलिस से धरी। गिरफ्त का नाम पूर्व बड़बजार गोपालपुर बैद्यनाथपुर विभिन्न थाना मामला थे ब्रह्मपुर सदर SDPO तथा शिवशंकर महापात्र सूचना देते। परवर्ती खबर, चंदनपुर पान मसला गोदाम चढ़ाऊ कला एनफोर्समेंट स्क्वाड। चंदनपुर पान मसला गोदाम चढ़ाऊ एनफोर्समेंट स्क्वाड्र डेप्युटी कमिश्नर तथा दामोदर पात्र तत्वावधान में 8 जनिया टीम यही चढ़ाऊ कर। चंदनपुर पान मसला बेपारी तथा महेन्द्र साहू को गोदाम एवं घरे चढ़ाऊ कर खबर आसी। परवर्ती खबर, युक्रेन पुरी छात्र छात्री हटहटा। युक्रेन पाठ पढ़ाक जाइंट बहु भारतीय डाक्टर छात्र छात्री एवं युद्ध भित्ति फसी रही। भारत सरकार किसी छात्र छात्री को स्वदेश फेर सफल होता बेले बहु छात्र छात्री युक्रेन और यार सीमांत विभिन्न सहर से फसी रही। सेपरिकी पुरी अनेक छात्र छात्री से फसी रही बेले अनेक सीमावर्ती अंचल पहुँचवे लगि जाइंट तेज उच्च शिक्षित करने पठाई बापा और माँ पिला फेर बाट कोई बसी। परवर्ती खबर, निर्वाचन परवर्ती हिंसा, कार को पोड़ीदे दुर्बृत्त। खोर्धा ब्लक अंतर्गत कालेपदर ग्राम पंचायत में निर्वाचन परवर्ती हिंसा देखा मिली। कालेपदर ग्राम पंचायत सरपंच प्रार्थी तथा नलिनी अर्सर सरपंच रूपे निर्वाचित होती। विलंबित राति कालेपदर मंगला मंडप निकट निर्वाचन हारी जा राजश्री चंपती राय कर्मी एवं जीति सरपंच कर्मी मंडल गंडगोल होता। पर कालेपदर एक फार्म हाउस निकट से ही ग्रामर मानस रंजन राउतराय को काटे को दे कई दुर्बृत्त पोड़ देती। यहाँ को नहीं मानस खोर्धार सदर थाना अभियोग कर। परवर्ती खबर, NCA राजनीति सरगरम। आसंता मार्च 24 NCA निर्वाचन कोणार्क NCA निर्वाचन विभिन्न वार्ड में राजनैतिक उष्मता देखाई। प्रार्थी मैंने 7 तारीख पर्यंत नामांकन पत्र दाखल करें। यहाँ नहीं कोणार्क राजनीति सरगरम होबारे लगी। एथर चेयरमैन पदपे प्रत्यक्ष होगा जाऊँगी भोट भोटर मैंने EVM निजर मतदान सब्यस्त करेंगे। कोणार्क NCA चेयरमैन पद महिला निम्ते संरक्षित रही। 13 वार्ड को नहीं गठित ये NCA 2011 जनगणना अनुजाई 16,780 जन भोटर मध्य रही थे। परवर्ती खबर, नवरंगपुर भूमिकंप झटका। नवरंगपुर जिले में भूकंप झटका हो जिलार विभिन्न अंचल को मृदु भूमिकंप झटका अनुभूत हो। उमरकोट चांदाहाटी झरिया गाँव में भूमिकंप झटका अनुभूत लगी। रिक्टर स्केल यार तीव्रता 3.5 रेकर्ड कर 6-7 सेकेंड जाए भूपृष्ठ थरबार सूचना रही। ये अंचल भूकंप होगा फल स्थानीय लोक मैंने भयभीत हो पड़ते समस्ते घर बाहर को चली आसी। एवं भूकंपर घर कांतर फाट सृष्टि होने सूचना मिली। परवर्ती खबर, 55 नंबर जातीय राजपथ पुनर्निर्माण दाबी रास्तारोक। 55 नंबर जातीय राजपथ पुनर्निर्माण दाबी बरंगपाल ठारे ढेंकानाल सांसद तथा महेश साहू नेतृत्व में रास्तारोक हो आंदोलन बरपाल बजार कमिटी और स्थानीय जनसाधारण सामिल रही। सूचना अनुजाई 55 नंबर जातीय राजपथर स्थित अति शोचनीय होता यातायात करने संभव होना। यह रास्ता भुवनेश्वर और संबलपुर को जोगाजोग करतीदिन क्योंठी ना क्योंठी रास्ता दुर्घटना घटुची। तेणु यथाशीघ्र 55 नंबर जातीय राजपथ मरामती करने दावी ढेंकानाल सांसद तथा महेश साहू को नेतृत्व में बरंगपाल बजार कमिटी और स्थानीय लोक मैंने रास्ता अवरोध कर। परवर्ती खबर, 8 ओमेन अचीवर्स एंड ओडिशा टूर समारोह। अंतर्जातीय महिला दिवस सुआर प्राचीन विभाग पक्षर मिलित भाव एक आयोजित हो ओमेन अचीवर्स अफ ओडिशा वाई 2022 पुरस्कार समारोह। राज्य विभिन्न क्षेत्र निज उद्यम संघर्ष कर शेष स्थान पहुंची पार
महिला मानक स्वीकृत प्रधान सांग को उत्साहित करने यार उद्देश्य रही एथिपाय सारा राज्य कृति महिला मानक पाखरे आवेदन आह्वान करा आवेदन गुड़ी विचार को नहीं गठित स्वतंत्र जूरी कमिटी द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभा मानक चूड़ांत तालिका प्रस्तुत होई परवर्ती खबर टीआईए क्लोसिंग कारखाना प्लांट अग्निकाण्ड झारसुगुड़ा जिला स्थित बेलपहाड़ स्थित टीआरएल क्लोसकी कारखानार डेलामाइन प्लांट एक अग्निकाण्ड घटी आज सकाळे एक कंपनी भितर भयावह अग्निकाण्ड घटी एवं यही अग्निकाण्ड होता क्षयति विपक्ष स्पष्ट सूचना मिल पारे ना सूचना अनुजाई गुरुवार सकाळ समय कंपनी कारखाना प्लांट हठात निआ लागि जाइथिला देखु देखु निआ खूब जोर व्यापी जाइथिला तेब किसी समय कारखाना लग जा आयत्त कर अग्निकाण्ड जो कत पर क्षयति होने कौन स्पष्ट सूचना मिल पारे ना सेपर कारखाना निआ लगला किपर ताकि स्पष्ट सूचना हस्तगत होना परवर्ती खबर राज्य में 2000 तल को खसला आक्टिव केस राज्य में ह्रास पाइबार लगी कोरोना संक्रमण हजार तले रोच दैनिक संक्रमण यही मध्य गत 24 घंटा मध्य राज्य 138 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती तेज चिन्हट होता संक्रमित 77 जन क्वारंटीन रही 60 जन स्थानीय संक्रमित रही सेपरी चिन्हट होता आक्रांत 8 वर्ष कम बयस 33 जन रही मिश राज्य मोट आक्रांत संख्या 128,544 को वृद्धि पाई नहीं राज्य सूचना और लोकसंपर्क विभाग पक्षर ट्वीट करके सूचना दि जाइए परवर्ती खबर 17 कलिंग पुस्तक मेला पुरस्कार 10 जन प्रतिष्ठित साहित्यिकों को सम्मानित 24वां कलिंग पुस्तक मेला पुरस्कार वितरण उत्सव आसंता 17 तारीख संध्या 6:00 जयदेव भवन ठारे अनुष्ठित हो ओडिया भाषा साहित्यर विभिन्न विभाग में निरवच्छिन्न भाव सारस्वत साधना कर 10 जन लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यिकों सामग्रिक साहित्य कृति और प्रकाशित पुस्तक को आधार कर पुनेन्दु मिश्र स्मृति सारकी पुरस्कार प्रदान जड़े समाजसेवी को संबर्धित करवर्त खबर रुष युक्रेन युद्ध बारु सुडंग पिटी होगापर समुद्र में बुड़ा जहाज रुष और युक्रेन मध्य युद्ध लग रही बेल युक्रेन ओडिशा सहर निकटस्थ ब्लाक सी एक मालवाही जहाज बुड़ी जाइए यह दुर्घटना पर जहाज चारज क्रू मेम्बर निखोज रही चारज क्रू मेम्बर मध्य दुईज लाइफ जैकेट सहित थी एवं चार जन को एपर्यंत पत्ता मिलूना मिलता सूचना अनुसार बुड़ी जा जहाजटी है एस्टोनिया कार्गोसी एक बारुद सुड़ंग विस्फोरण होगा कारण एपरी हो सूचना मिली तेज घटना संपर्क में स्पष्ट किसी सूचना मिल पारिना सिप मैनेजर को कहवा कथा है जो ओडिशार जहाज बंदर यह विस्फोरण घटी पर जहाज बुड़ी जा सूचना देखते परवर्त खबर युक्रेन में फसी भारतीयों को आम बाहर करूँ निज बस व्यवहार कर भारत को भरसा दे रुष युक्रेन में फसी रही भारतीयों को बस मध्यम बाहर कर रुषर टॉप मिलिट्री जनरल कहते युद्धग्रस्त युक्रेन खार्केव और किसी अन्य सहर गुड़िकर फसी रही भारतीय एवं अन्य विदेशी मान को बाहर करने 130 बस पोस्त रही रुष नेशनल डिफेन्स कंट्रोल सेन्टर प्रमुख कर्नल जेनेल मिखाइल जेनेस्की बयान मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पक्ष रुषीय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कथा पर आसी जो थे पीएम मोदी पुतिन को युक्रेन संघर्ष अंचल भारतीय को सुरक्षित भाव में बाहर करने को नहीं चर्चा करते परवर्त खबर युक्रेन जबार मसे न पूर्ण आरंभ हो गला युद्ध सुरक्षित भाव सुंदरगढ़ झील महत्व उद्देश्य ने शूद्र युक्रेन को जाते सुंदरगढ़ किंजिर केलार झील तथा स्मृति कुरुज हेल्ले सेठे पहुंचवर मसे न पूर्ण आरंभ हो जा रुष आक्रमण अनेक बाधाविघ्न शिकार हो दुई दिन मध्य युद्ध कटिव शेषर सुरक्षित भाव जन्ममाटी पाद देते स्मृति से युक्रेन उद्गोरे रोते यह सहर युद्धर एतटा प्रभाव ना अंचल युद्धर विस्फोरण खबर शुणी भयर रोते समस्त छात्र छात्री परवर्त खबर अदालतर नूतन गृह निर्माण दाबी वकिल संघ पक्ष कलमछाड़ आंदोलन आठगड़ उपखंड स्तरीय विचार विभाग एवं अदालतर नूतन गृह निर्माण दाबी आठगड़ वकिल संघ पक्ष आज अनिर्दिष्ट काल कलमछाड़ आंदोलन कर दीर्घ दिन धरी दाबी हो आसुले उच्च कर्तृपक्ष कौन से प्रकार पदक्षेप नज अनिर्दिष्ट काल कलमछाड़ आंदोलन करें संघ पक्ष चेतावनी दि जाइए एमती कि आज संघर कर्मकर्ता मैंने आठगड़ अदालतर विचारपति कोर्ट परिसर मध्य पूराई दे नबर दे परवर्त खबर भूकंपर थरला कलाहांडी नवरंगपुर और रिक्टर स्केल तीव्रता 3.5
कलाहांडी नवरंगपुर भूकंप झटका अनुभूत होती रिक्टर स्केल भूकंपर तीव्रता 3.5 रेकर्ड कर 6 सेकेंड जाए भूपृष्ठ थरी सूचना मिली। खबर अनुजाई दिन कलाहांडी नवरंगपुर किसी अंचल भूकंप झटका अनुभूत होती। यह भूकंप झटकार नवरंगपुर जिलार उमरकोट चंदाहाटी झरिया गाँवर किसी मृदु अंचल भूकंपर प्रभाव देखा मिली। लोके भयभीत हो रही बेले स्थानीय लोके प्रकाश करे एजाए भूकंपर केन्द्रस्थल संपर्क किसी सूचना मिल पारिना। परवर्त खबर 24 घंटे बाहर 138 कोरोना पजिट गत 24 घंटा मध्य राज्य 138 कोरोना पजिट चिन्हट होती। यहाँ मिसी राज्य मोट कोरोना जनित आक्रांत संख्या 12,85,488 को वृद्धि पाई। यहाँ नहीं राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पक्ष सूचना दि जाइए। तेरे चिन्हट होता संक्रमित 77 जन क्वारेन्टीन रही बेल 60 जन स्थानीय संक्रमित रही। चिन्हट होता आक्रांत 18 वर्ष कम बयसर 33 जन रही। परवर्त खबर रुष को बयकट कले सब कार कंपानी प्लांट बंद रप्तानी बंद शक्ति देखा रुष सेना युक्रेन को आक्रमण कला हेले मस्को स्थित एवं सांघातिक होबारे जाउछि कारण रुषे एवं अनेक विदेशी कलकारखाना बंद हो जाइए। विभिन्न विदेशी कंपानी रुषे थी निजर कारखाना सब बंद करने को घोषणा करपटे रुष उपर आर्थिक प्रतबंधक लगे जदि आगक एभली स्थित जारी रही तेरे रुषर जनता कम हर बेकारी संख्या वृद्धि पाव फल देशर अर्थव्यवस्था भुशुड़ पड़ आशंका रही। चेक रिपब्लिक कंपानी तथा वाक बाक्रम अंश थोड़ा स्कोड़ा रुषे तार समस्त प्लांट बंद कर देती। परवर्त खबर एवं सुधा 8,000 भारतीय छाड़िले युक्रेन विदेश मंत्रालय मुखपात्र तथा अरविंदर बागीची कहते एवं सुधा मोट 8,000 भारतीय युक्रेन छाड़ी। से कहते ऑपरेशन गंगार गति बढ़ी चली गोटे दिन में 15 फ्लाइट जरिया 3,000 भारतीय को फेरे अणा जाइए। गत 24 घंटा मध्य 3 फ्लाइटिंग 6,400 जन भारतीय को फेरे अणा जाइए। सेमान को संकट बोले साहयपाई युक्रेन और पड़ोसी देश को से धन्यवाद जनई। परवर्त खबर युक्रेन रु फेरबे ओडिया छात्र छात्री प्लां कले सरकार युद्धभूमि ओडिया छात्र को सुरक्षित भाव में मेघा प्लां हो युक्रेन में फसीता ओडिया उद्धार पर राज्य सरकार बड़ योजना कर सुरक्षित भाव फेरबे ओडिया छात्र छात्री चार स्वतंत्र प्रतिनिधि को दायित्व देखते राज्य सरकार युक्रेन सहित अन्य देश को चाड़ी छाड़ी जा छात्र छात्री उद्धार पर स्वतंत्र प्रतिनिधि को निजुक्त करा सरकार एथप नुआ दिल्ली रेसीडेन्स कमिशनर कार्यालय नोडाल ऑफिसर भावे घोषणा कर पोलैंड स्वतंत्र प्रतिनिधि दायित्व विक्रमादित्य को दि जाइए। परवर्त खबर कांग्रेस करुच्छे मानस मंथन एकाठी हेले तुंग नेता त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन शोचनीय पराजय पर कांग्रेस मानस मंथन जारी रही। गाँव में भोटर मुह फेर सहर जोड़ी हेपाई कांग्रेस समीक्षा रही। डिजिटल मेम्बरशिप ड्राइव और सांगठनिक निर्वाचन बैनर एकाठी होती तुंग नेता पराजयर समीक्षा सहित आगामी पौर निर्वाचन में भल प्रदर्शन गुरुमंत देते पीसीसी सभापति एवं कांग्रेस प्रभारी चेल्ला कुमार ग्लांटी कंपनी ग्लांट कंपनी कन्फरेन्सन चली डिजिटल मेम्बरशिप जरिए एवं आगामी दिन में लोकों पाखे पहुँचाप मेगा प्लां कर। परवर्त खबर अनिश्चित बारवाटी मैच 12 हो पाए निर्णय बारवाटी स्टेडियम मैच देखापी चाहि रही ओडिशावासी दक्षिण भारतर दक्षिण आफ्रिका T20 जून मसकु नहीं सभी आशायी रही किंतु यह तारीख दिन मैच हेब कि ओडिशा बीसीसीआई अनुष्ठित कर तो यह कल्पना जल्पना जारी रही मैच हेबाने कौन स्पष्ट सूचना आसी ना यहाँ सूचना देखते ओएसी संपादक तथा संजय बेहरा सेपटे ओएफएस एक्ट एफ कमिटी बैठक में भारत दक्षिण आफ्रिका मैच हेबाने कि आलोचना होना एवं आसंता 12 तारीख में बेंगालुरु में होगा यह बैठक में इस संपर्क में आलोचना होबार रही। परवर्त खबर मार्च 8 पर देश में 13 टंका वृद्धि पाई तेल दर रुष और युक्रेन मध्य जारी घमाघट युद्ध रुष युक्रेन मध्य युद्ध चली सत किंतु यहाद्वारा सारा विश्व दरदाम वृद्धि पाइबार लगी युद्ध फल हू बढ़ लगी अशोधित तैल दर दीर्घ 7 वर्ष पर बैरल पिछा अशोधित तैल दर $100 टपिच वर्तमान बैरल पिछा अशोधित तैल दर $109 रही। रुष एक युक्रेन युद्ध पूर्व अशोधित तैल दर बैरल पिछा $90 रही किंतु युद्ध आरंभ होगापर यह हू बढ़ लगी गत 7 दिन मध्य अशोधित तैल दर $19 मध्य वृद्धि पाई। परवर्त खबर कांग्रेस बीजेपी छाड़ी बीजेडी में मिशिले पूर्वतन काउनसिलर और कर्मी
ପର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଢ଼ୁଛି ବିଜେଡ଼ିର ବଳ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଏବଂ କର୍ମୀ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଜେପିର ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ନଗର ସଭାପତି ଅଜୟ ଭଞ୍ଜ, କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ତଥା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅଁର ମଧ୍ୟ ମିଶିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିମା ନାୟକ, ବିଜେପିର ନଗର ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାହୁ, କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୁଅଁରଙ୍କ ସହିତ ବହୁ କର୍ମୀ ବିଜେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା 330 କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରାଜ୍ୟର ଆଉ 330 କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 12,74,755 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ଆଜି ଅନୁଗୁଳରୁ ସର୍ବାଧିକ 44 ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 39 ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 37 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2 ଦିନରେ ଜଣେ ହେଲେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ନାହିଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉଷ୍ମତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଜେଡ଼ି ଆଗୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡ଼ିର 12 ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହୋଇପାରିନଥିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 24 ହେବାକୁ ଥିବା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 2-7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେହି ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିନଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ କରିଥିବା NCA ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ପାଢ଼ୀ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତୀ କରିଡରରେ ଖଣି ଅନୁମତି ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକରଙ୍କ କର। ସିମିଳିପାଲ, ହଦକୁଦ, କୁଳାଡ଼ିଆ, ହାତୀ କରିଡରରେ ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଖଣି ଖନନ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ତଥା 1972 ଧାରା 36A ଅନୁଯାୟୀ ପାରମ୍ପରିକ ହାତୀ କରିଡରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ଘୋଷଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଲ୍ଏନ୍ ରାଓ ଏବଂ BR ଗାଡ଼ାଭାଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଅନିଷ୍ପତ୍ତି ଖଣି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ବା NWBO ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ହାତୀ କରିଡରକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲା କଂଗ୍ରେସ। ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷିଆ ଚଲାଇଥିବା ଦମନ ଲୀଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ମହାସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରୁଷିଆର ପ୍ରତିକ୍ଷେପକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟିଂରୁ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛି। UNGCରେ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ପରାମର୍ଶ ପରିଷଦ କମିଟିର ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଶଶି ଥରୁର, ଆନନ୍ଦ ଶର୍ମା, ଶିବସେନାର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ, RJD ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା, ଭାଜପାର VN ନରସିଂହ ରାଓ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନରୁ ଫେରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଶିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର। ସମୟ ଥାଉଥିବା ବିବାଦ ଜୋରୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଇ ଫୁଲ ବାଣ୍ଟିବା ଭଳି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଏଭଳି କହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବିତ ୟୁକ୍ରେନରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ତଥା ବିହାରର ମୋତିହାରୀ ବାସିନ୍ଦା ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ସିଂହଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନର ହଙ୍ଗରୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଗୁରା ଫୁଲ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ତାଙ୍କୁ ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ସେ ପଚରାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଖବର ଜାଣିବା ସହିତ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।